तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सट्रीम रूल्स की स्टार रेटिंग्स के बारे में और डे मेजर की स्टार रेटिंग के साथ मैं अपनी स्टार रेटिंग भी बताऊंगा। तो गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो गाइस सबसे पहले मैच की बात करते हैं जो कि हमें किक ऑफ में देखने को मिला था केविन ओमेंस वर्सेस मर्फी के बीच। अब गाइस इस मैच को स्टार रेटिंग दी है डे मेजर ने, वो थी गाइस 3.25 स्टार जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि गाइस मेन शो का पहला मैच था स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियनशिप रेसेंस के नाकामुरा एंड सिजारो वर्सेस न्यू डे के बीच और यहाँ पर सिजारो एंड नाकामुरा बन चुके हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। और डे मेल्जर ने इस मैच को स्टार रेटिंग दी है 2.25 स्टार जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है क्योंकि इस मैच में टाइटल चेंज भी देखने को मिला और न्यू चैंपियंस भी बने, फिर भी इस मैच को इतनी कम रेटिंग मुझे नहीं पता क्यों मिली। और गाइस ओवरऑल ये मैच भी काफ़ी बढ़िया था और ऊपर से टेबल्स मैच था, मुझे तो काफ़ी मजा आया इस मैच को देखकर और मैं इस मैच को रेटिंग दूंगा 3.75 स्टार। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि हुआ था बेली वर्सेस निकी क्रॉस के बीच स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए और गाइस इस मैच को स्टार रेटिंग दी है डे मेल्जर ने 3.25 स्टार जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि गाइस हमें देखने को मिलता है सेथ रॉलिंस वर्सेस रे मिस्टीरियो के बीच आई फॉर एन आई मैच और गाइस आप सब जानते हैं ये मैच कितना कमाल था और यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने रे मिस्टीरियो की आई भी फोड़ दी। लेकिन गाइस स्टार रेटिंग की बात करें तो डे मेल्जर ने इस मैच को दिया पूरे 4 स्टार की रेटिंग और मेरे हिसाब से डे मेल्जर ने बिल्कुल सही रेटिंग दी है इस मैच को और इतनी रेटिंग ये मैच जरूर डिजर्व करता था। नेक्स्ट मैच की बात करें जो कि गाइस हमें देखने को मिला था आस्का वर्सेस साशा बैंक्स के बीच फॉर रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप और गाइस आप सब जानते हैं रेसलिंग वाइज ये मैच काफ़ी बढ़िया था और लेकिन गाइस हम सब जानते हैं इस मैच की एंडिंग कॉन्ट्रोवर्शियल वे से खत्म हुई जहाँ पर आस्का का टाइटल लेके भाग गए साशा बैंक्स और बेली और हम सब। लेकिन गाइस रेटिंग की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी शॉकिंग रेटिंग दी है डे मेल्जर ने और उन्होंने इस मैच को दिए पूरे 4 स्टार। अब 4 स्टार शॉकिंग नहीं है, शॉकिंग मेरे लिए ये है कि जिन मैचेस की एंडिंग को स्क्रू किया जाए डे मेल्जर अमूमन उन मैचेस की एंड की स्टार रेटिंग काफ़ी ज़्यादा कम देते हैं लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया जो कि WWE के लिए काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन गाइस अगर मैं रेटिंग दूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पर रेटिंग कम होनी चाहिए क्योंकि एंडिंग स्क्रू की गई थी, इसलिए गाइस इस मैच को मैं रेटिंग दूंगा 3.75 स्टार। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि गाइस हमें देखने को मिला था WWE चैंपियनशिप के लिए ड्रू मैकइंटायर वर्सेस डॉल्फ ज़िगलर के बीच और हम सब जानते हैं काफ़ी बढ़िया मैच था और यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन भी कर लिया। और गाइस रेटिंग की बात करें तो डे मेल्जर ने इस मैच को रेटिंग दी है पूरे 4 स्टार जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट मैच की बात करते हैं जो कि था सिनेमैटिक मैच वाइट स्वॉम फाइट बिटवीन ब्रॉन स्ट्रोमैन एंड ब्रे वायट के बीच और गाइस आप सब जानते हैं डे मेल्जर सिनेमैटिक मैच को तो रेटिंग देते नहीं है लेकिन मैं ज़रूर दूंगा और गाइस मेरे हिसाब से इस मैच की रेटिंग होनी चाहिए पूरे 3.75 स्टार क्योंकि जितनी मैंने इस मैच से उम्मीद लगाई थी उतनी बढ़िया तो ये मैच नहीं था। लेकिन गाइस हो सकता है मैंने उम्मीद ज़्यादा लगा दी हो लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से इतनी इस मैच की रेटिंग बनती थी। तो गाइस ओवरऑल अगर हम एक्सट्रीम रूल्स की स्टार रेटिंग की बात करें तो काफ़ी बढ़िया गया WWE के लिए क्योंकि अगर 7 में से 3 मैचेस को 4 स्टार की रेटिंग मिल जाए तो वो पेपर वो काफ़ी बढ़िया माना जाता है। तो गाइस बस हमारी वीडियो भी यहीं तक थी, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो भी पसंद आई होगी। तो गाइस इस वीडियो को लाइक की बना तो कहीं मत जाना और कमेंट कर क्या मुझे बताना आपके क्या थॉट्स हैं स्टार रेटिंग के बारे में और अपनी स्टार रेटिंग भी ज़रूर बताइए। और गाइस साथ ही साथ आप कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑन ताकि आपको हमारे चैनल पर ऐसी WWE से जुड़ी सारी बातें जानने को मिलती रहें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।